फिर से कोविड-19 का हमला बॉलीवुड पर। रणवीर के बाद संजय लीला भंसाली भी कोरोना पॉजिटिव। कौन कौन से सितारे आए चपेट में? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रौनक एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोरोना ने फिर से हमला कर दिया मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री पर और कौन कौन से सेलेब्स को चपेट में ले लिया इस खतरनाक वायरस ने। ऋषि कपूर के डिमाइस के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई और अब सुपरस्टार रणबीर कपूर की कोरोना पॉजिटिव होने की भी रिपोर्ट सामने आ गई है। उधर डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली की भी संक्रमित होने की खबर आज मीडिया दरबार के मुंबई ऑफिस से मिली है। रणबीर कपूर से पहले जानिए कौन कौन से सेलेब्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव, ये सब मैं आपको बताऊंगी और उसके लिए मेरा ये वीडियो देखना होगा आपको लास्ट तक। फरवरी 2020 से लेकर अब तक बॉलीवुड सेलेब्स जिनमें वरुण धवन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह, मलाइका अरोड़ा, कृति सेनन, जेनेलिया डिसूजा, तमन्ना भाटिया भी इस वायरस से जूझ चुके हैं। अभी हाल में ही एक्ट्रेस नीतू सिंह के कोरोना की चपेट में आने की खबर सामने आई है और चंडीगढ़ में शूटिंग कर रही फिल्म जुग जुग जियो की पूरी टीम भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मां नीतू सिंह की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रणबीर कपूर की अचानक तबीयत खराब हुई। रणबीर के अनगिनत प्रशंसकों द्वारा धड़ाधड़ कॉल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर चिंता को देखते हुए रणबीर का भी कोरोना टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मां नीतू सिंह ने लिखा, आप सभी की चिंताओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। वहीं से इस खबर की पुष्टि हुई। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का नाम भी संक्रमितों में शामिल हो गया है। ऐसे में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को रोक दिया गया है। हालांकि शूटिंग रोकने की इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है और इसे सावधानी के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े फिल्मी सितारे जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जैसे कमल हसन, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, जॉनी लीवर, परेश रावल, सतीश शाह जैसे कलाकारों ने कोरोना की वैक्सीन ली है। इसी फहरिस्त में सैफ अली खान ने भी कोरोना की डोज लेने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या उनकी, मतलब सैफ की उम्र 60 साल है, और अगर नहीं है तो उन्हें वैक्सीन की डोज कैसे मिल गई, क्योंकि भारत में तो इन दोनों 60 साल की उम्र वालों को ही टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने की खुशी में प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, परेश रावल, ईशा देओल, निर्मित कौर, कुणाल खेमू जैसे बॉलीवुड के बड़े कलाकारों ने कोरोना वॉरियर्स के जहां जमकर सराहना की, वहीं पूरा विश्व आज कोरोना की दवा के लिए भारत की ओर देख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं रौनक आपसे लेती हूँ विदा और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, आगे बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जय हिंद।